फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग का पेज आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, इस ऑप्शन को एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इस ऑप्शन को आपको टैप करना है, ठीक है। अभी एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का पेज आता है, इस पेज में देखिए शॉर्टकट का ये ऑप्शन है, इसके ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को टैप करके ऑन करना है, ठीक है। देखिए इस बटन को टैप करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल फोन का जो मेरा स्क्रीन है ना नीचे की साइड वाला, यहाँ पर देखिए कोने पर ना एक बटन ऐड हो जाएगा जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस बटन को मैं टैप करता हूँ तो एक ये पेज आ जाता है, इस पेज में आपको ओके का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। तो देखिए बटन ऑन हो चुका है शॉर्टकट का, और देखिए बॉटम साइड पे स्क्रीन पे यहाँ पर ये बटन ऐड हो चुका है। ये जो बटन है ना, ये आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन होता है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो बटन है आपका, ये मोबाइल फोन की स्क्रीन पे सभी जगह पे दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का जो शॉर्टकट बटन है इसे आपको टैप करना है, ठीक है। आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है, इस पेज को अपना लेफ्ट और राइट ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस पेज में आपको ये पावर का जो ऑप्शन दे रखा है, इस पावर के ऑप्शन को आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा पेज आता है, इस पेज में देखिए व्हाइट वाला जो बटन है ना, इसे उंगली से दबा के रखिए और उसे ऊपर रीस्टार्ट की तरफ सरका देना है इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये इस तरीके से सरकाना है रीस्टार्ट की तरफ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल फोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।